Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to get the latest updates. नमस्कार, मेरा नाम पिंटू सिंह यादव है और आप देखना शुरू कर चुके हैं न्यूज लाइव। दोस्तों, एक बार अब्बू को दिखा दो। जेल में बंद बाहुबली मुख्तार अंसारी के बेटे का बुरा हाल हो गया है। क्या है पूरा अपडेट, चलिए मैं आपको बताता हूँ। दोस्तों, बात करें तो समय का पहिया घूम चुका है, जिस मुख्तार अंसारी की खौफ से पूरे पूर्वांचल समेत यूपी में जो है काफी ज्यादा खौफ चलता था। अब मुख्तार अंसारी सुपुर्दे खाक हो चुके हैं। मुख्तार को अपने माता पिता की कब्र के पास भी दफन किया गया है। मुख्तार का यूं चले जाना अंसारी परिवार के लिए काफी बड़ा झटका माना जा रहा है। यूं तो मुख्तार बीते 15 से 18 सालों से जेल में थे, मगर वह जेल के अंदर से ही अपना गैंग चलाते थे और अपना दबदबा भी कायम रखते थे। इसी का आलम था कि मुख्तार के बेटे अब्बास अंसारी भी राजनीति में आए, मगर वह भी कानून के शिकंजे से नहीं बच पाए। बता दें कि मुख्तार अंसारी के बेटा अब्बास अंसारी जो हैं गैंगस्टर समेत कई मामलों में जेल में बंद हैं। उनके ऊपर भी कानूनी शिकंजा कसा हुआ है। वह यूपी विधानसभा के सदस्य भी हैं, यानी कि विधायक भी हैं। अब्बास अंसारी को मुख्तार का सबसे चहेता बेटा भी माना जाता है। पिता की मौत की खबर सुनते ही जेल में अब्बास अंसारी का बुरा हाल। मेरे जानकारी के मुताबिक अब्बास अंसारी को जेल में मुख्तार अंसारी की जब जानकारी जाने की मिली, तो अब्बास अंसारी को अपने पिता मुख्तार की खबर मिली, उसने फूट फूट कर रोना शुरू कर दिया है। उसे यकीन नहीं हुआ कि भैया बाहुबली पिता उनके अब इस दुनिया में नहीं रहे हैं। बताया जा रहा है कि अब्बास अंसारी पूरी रात जो है वो बैरक में टहलते रहे। उनकी यह कोशिश थी कि वो एक बार अपने पिता को देख सकें और उनके जनाजे में शामिल हो सके। इसके लिए अब्बास अंसारी ने हाईकोर्ट का भी दरवाजा खटखटाया। हाईकोर्ट से निराशा हाथ लगने के बाद अब्बास अपने वकील के माध्यम से सुप्रीम कोर्ट भी गए, मगर उसे पेरोल नहीं मिला और अब वो अपनी पिता की आखिरी बार भी नहीं देख सके। इसके बाद जेल में अब्बास अंसारी का क्या हाल रहा, उसकी पूरी जानकारी जो है वो आपको पता ही है। बाकी इस पर आप क्या कहेंगे, एक बेटा अपने बाप को नहीं देख पाया अंतिम क्षण में भी, इस पर आप क्या कहेंगे बताइए। धन्यवाद।